नगर निगम पंचकुला ने शहर में आपातकालीन स्थिति के लिए शहर की विभिन्न जगहों पर पैनिक बटन लगा दिए गए हैं। बता दें कि शहर के बस स्टैंड, फैक्ट्रियों, बाजारों और पब्लिक स्थानों पर आपातकालीन पैनिक बटन लगाए गए हैं। पंचकुला नगर निगम के कमिश्नर राजेश जोगपाल ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि नगर निगम और पंचकुला पुलिस ने इसका एक ट्रायल पंचकुला पुलिस के पुलिस कंट्रोल रूम में किया और शहर के कुछ स्थानों पर ही इन पैनिक बटन को ट्रायल के लिए लगाया गया है, जिसके एक महीने तक इस पर जांच की जाएगी। पंचकुला नगर निगम ने पुलिस विभाग, फायर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से ये जो इमरजेंसी पैनिक बटन्स हैं, इसका जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की फर्स्ट फेज की टेस्टिंग है वो हम आज लॉन्च कर रहे हैं, और जिसमें 8 जगह पे हमने जो पैनिक बटन्स लगाए हैं, और जिसमें 2 पार्क्स हैं, 2 बस को शेल्टर्स हैं, 2 शॉप्स हैं और 2 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। ये म्यूटकर हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं और ये लोरा नेटवर्क पे जो है ये पैनिक बटन्स काम करेंगे। वे वायरलेस हैं और ये बटन्स की एक जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो 5 ईयर्स तक रहेगी, और ये बटन्स हमने लगाए हैं, और कोई भी इस बटन को जब प्रेस करेगा तो हमने 3 डिफरेंट डैशबोर्ड्स क्रिएट किए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का सेपरेट किया, पुलिस कंट्रोल रूम में सेपरेट किया और फायर में सेपरेट किया। तो जो भी बटन करेंगे, लोकेशंस हमने मैप किए हैं, जो भी बटन प्रेस करेंगे रिस्पेक्टिव कंट्रोल रूम में उसका अलर्ट जनरेट हो जाएगा। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।